हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट स्क्रीन लॉक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सैमसंग के इस फ़ोन में कैसे स्क्रीन लॉक लगा पाएंगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक आपको इस फ़ोन में कैसे लगाना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। नेक्स्ट यहां से आपको मिल जाता है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां से आप सबसे पहले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं या फिर फेस लॉक, तो यहां पर हम फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इसे कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करने से पहले यहाँ पर पैटर्न या फिर पिन मांगता है, तो यहाँ पर हम एक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा यहाँ पर हमने पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ओके, ऐसे इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको दोबारा से वही पैटर्न ड्रॉ कर देना है और इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये आपका पैटर्न लॉक लग चुका है। अब यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर मांगता है, तो इसे आपको फिंगर ऐड करना है अपना, तो यहाँ पर हम अपना फिंगर ऐड कर देते हैं। सो गाइस, मेरा फिंगर इसमें ऐड हो चुका है 100%। ओके, डन कर देना है यहाँ से। और डन करने के बाद यहाँ से इसे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आप फेस रिकॉग्निशन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना पैटर्न ड्रॉ कर देना है जो आपने पहले डाला है। इसके बाद इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फेस इनरोल कर लेना है इसमें, तो मैं अभी अपना फेस इनरोल कर लेता हूँ इसमें। ओके, सो गाइस, हमारा फेस इनरोल हो चुका है इसमें। और यहाँ से अब हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर हम आपको फ़ोन को अनलॉक करके दिखाते हैं। तो फ़ोन को लॉक किया हमने और यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न से फ़ोन को अनलॉक करते हैं। तो पैटर्न ड्रॉ किया, फ़ोन अनलॉक हो चुका है। नेक्स्ट फिंगर से फ़ोन अनलॉक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे फिंगर को टच किया, फ़ोन अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ से फेस से फ़ोन को अनलॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने फेस के सामने फ़ोन किया, तो यहाँ पर फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।